नमस्कार, आपदा के सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात स्कूली शिक्षा और आपदा प्रबंधन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक ढांचा होता है जिसे भावी नागरिक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती रही है। सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए बहुत ही जरूरी शर्तें हैं। इसलिए बच्चों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। सुरक्षित स्कूलों का उपयोग दोहरे उद्देश्यों के लिए, मसलन आपातकाल के दौरान निकासी केंद्र या फिर राहत शिविर के तौर पर भी किया जा सकता है। सुरक्षित स्कूलों का निर्माण वास्तुकारों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं, प्रशासकों और आपातकालीन प्रतिक्रिया के योजनाकारों के लिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी सार्वजनिक सुविधाओं के बावजूद भी स्कूलों में बच्चे आपदाओं के दौरान सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। अधिकांश संख्या में स्कूल, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल के अति व्यस्ततम भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं, जो कि आसानी से विभिन्न खतरों से प्रभावित हो सकते हैं। स्कूल सुरक्षा में भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा के साथ साथ गैर संरचनात्मक सुरक्षा उपाय, मसलन जागरूकता हो, संचार, स्कूल आपदा प्रबंधन योजना, छात्रों और शिक्षकों की क्षमता विकास, रिहर्सल और पूर्वाभ्यास शामिल हैं। सुरक्षित स्कूल न केवल आपदा के दौरान बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि आपदा के पश्चात भी पुनर्वास कार्यों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसलिए ये कहा भी जाता है कि तैयारी में ही समझदारी है। तो इस अहम विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह, जो कि सदस्य हैं NDMA से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अंशु शर्मा जी, जो कि को फाउंडर हैं सीड्स के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, जो कि प्रोफेसर हैं NIDMA। आप तीनों ही मेहमानों का इस बहुत ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे करना चाहूँगा। और सर, मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये कि आज जब हम जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो वैश्विक परिस्थितियाँ हों और जो मौसम जो हैं बदल रहे हैं जिस तरह से लगातार, आज की तारीख में आप भारत के जो तमाम स्कूल हैं, तमाम विद्यालय हैं, आपदा प्रबंधन के लिहाज से आप उनको कैसे पाते हैं, किस तरह से वो किस तरह तैयार हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस विषय पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि स्कूल सुरक्षा का महत्व क्या है, क्योंकि स्कूल देश के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण संस्थान होता है और मुख्य रूप से कल के नागरिकों को तैयार करने का दायित्व है और उत्तरदायित्व इनके कंधों पर है। पर ये कहा जाता है कि जिस देश में स्कूल सुरक्षा प्रबल और सुदृढ़ होती है, उस देश का आपदा प्रबंधन प्रबल होगा ही, क्योंकि यहीं से अगर हम देखते हैं तो स्वच्छ भारत देख लीजिए, स्वस्थ भारत देख लीजिए, सुसंस्कृत भारत देख लीजिए, सुरक्षित भारत की नींव पड़ेगी, ताकि ये कल के बच्चे जो श्रेष्ठ भारत के सपने को जिए। और भारत जैसे विकासशील देश में स्कूल अक्सर संवेदनशील क्षेत्रों में होते हैं और आपात स्थितियों का सामना करने के लिए पूर्णतया रूप से ये तैयार नहीं होते हैं। और इसके हाल के वर्षों में जो हमने देखा है, जैसे आप भुज में देख लीजिए, 2001 में करीब 950 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं और 10,000-11,000 स्कूल जो है डैमेज हुए हैं। वही कुंभकोणम अगर हम तमिलनाडु के बात करते हैं तो 94 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई है वहां पर। और 2004 सुनामी को अगर हम देखते हैं तो कई इन आपदाओं ने कई स्कूलों को और कई बच्चों की जानें ली हैं और स्कूल की बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2017 में सभी राज्यों को और को ये स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश देते हुए ये कहा था कि इसको समयबद्ध तरीके से इनको पूरा किया जाए जी। और देखिए, जैसे आपने बताया कि कई आजकल आपदाएं आ रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण आ रही है, इसके दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल सेफ्टी मोमेंटम इज गेनिंग इम्पोर्टेंस। अगर हम देखते हैं कि इसमें स्कूल सुरक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपदाएं चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, दोनों ही नहीं है,
और ये बच्चे, शिक्षक, कर्मचारी जो लोग हैं, जो अधिकतर अधिकांश समय अपना जो स्कूलों में बिताते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि सुरक्षा वर्तमान स्वरूप में अंदर और बाहर दोनों को ही इसमें मुद्दे इसमें शामिल है और इनके ऊपर बहुत कठिन जो है, बहुत कार्य जो है एनडीए में कर रहा है, जिसकी मैं आगे जाके आपको जानकारी दूंगा। ठीक, डॉक्टर अंशु शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और जैसा कि राजेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह की तैयारियां हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया तो कि लगातार जिस तरह के बदले हुए हालात में हमारे स्कूल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, और जिस तरह कभी कभी घटनाएं आ जाती हैं साउथ दक्षिण भारत से, कभी पहाड़ी इलाकों से, इस तरह खबरें आती रहती हैं, इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया, किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए स्कूल के स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर भी? ये बड़ा ही आपने महत्वपूर्ण सवाल रखा है। जो हम जिस तरह की घटनाएं स्कूलों में देखते हैं, और एक बड़ी अच्छी चर्चा हम कर रहे हैं स्कूल सुरक्षा पर, इस पर एनडीए में की पूरी गाइडलाइन भी है, मैं ये जोड़ना चाहूंगा इस बात में कि जब हम स्कूल की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दरअसल तो हमको बच्चों को सुरक्षित करना है ना, तो स्कूल उसमें एक माध्यम बनते हैं, क्योंकि बच्चे काफी समय अपना स्कूलों में गुजारते हैं। लेकिन जो पिछले समय में हमने देखा है, स्कूल बिल्डिंग केवल इमारत या उस कैंपस में नहीं, कुछ घटनाएं उसके बाहर हो जाती हैं, स्कूल बस में हो जाती हैं, घर से स्कूल आते में होती हैं, बच्चों की जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके लिए खतरा बनकर आती हैं। तो जब हम कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल सेफ्टी, एक विस्तृत स्कूल सुरक्षा प्रोग्राम की बात करते हैं, तो उसके तीन मुख्य हिस्से होते हैं। बिल्डिंग यानी इमारत की सुरक्षा, इमारत के साथ जो अन्य चीजें हैं, सामान है स्कूल में, सीढ़ियां हैं, लैबोरेटरी में केमिकल्स हो सकते हैं, उनसे सुरक्षा, और आखिरकार जो एक बड़ा महत्वपूर्ण उसमें एक पिलर होता है, वो है व्यवहार कैसा है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेफ्टी, कि बच्चों की सोच कैसी है, वो किस तरह के कदम उठाते हैं, टीचर्स उसमें क्या योगदान देते हैं, पेरेंट्स का, अभिभावकों का उसमें क्या योगदान होता है। तो इनकी सोच जो है, कुछ मायनों में हमको ऐसा भी लगता है कि वो इमारतों की सुरक्षा से बढ़कर नहीं तो कम से कम बराबर तो है, कि हम अपनी सोच कैसे बदलें। लेकिन डॉक्टर अंशु, सामान्यतया ये देखा गया है, हम आप इस बहुत ही अहम विषय पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूल होंगे, हजारों की तादाद में स्कूल होंगे, जहां के कि बच्चों को तो छोड़िए, वहां के टीचर्स को इस एनडीएमए के तरफ से जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं स्कूलों में, किस तरह की सुरक्षा स्थितियां होनी चाहिए, उसको लेके वो जानकारी नहीं होती है। अगर टीचर्स को जानकारी नहीं होगी तो फिर बच्चों तक ये कैसे जानकारी पहुंचेगी? क्या लगता है कि स्कूल्स में बच्चों के साथ साथ पहले टीचर्स, वो पहले जानकारी ले लें, फिर वो बच्चों तक पहुंचाएं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और वो आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। हम 15 लाख स्कूलों की बात कर रहे हैं, कई बड़े दूर दराज के इलाकों में हैं स्कूल। जिस तरह के माध्यम से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये किताबों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जागरूकता लाने के लिए। अगर उत्साह बढ़ेगा, उत्सुकता बढ़ेगी, तो टीचर भी, बच्चे भी और पेरेंट्स भी, जो माता पिता हैं, वो भी इसके बारे में जानकारी लेने का खुद से प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम उसको एक सप्लाई बनाए जानकारी की, इसके बजाय लोगों में उसके लिए महत्वपूर्ण वो है ये अपने विचार आए। और उसमें भी जैसा आपने बोला, टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो बच्चों में इस जिज्ञासा की चिंगारी जलाते हैं, पर हम दूसरा काम ये करते हैं, हम स्कूल से बाहर निकल के पेरेंट्स तक, घरों में जाते हैं, हम जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं। क्योंकि जब तक माता पिता ये मांग नहीं रखेंगे और ये विचार नहीं करेंगे ना, आप जब बच्चे को लेके घर से निकलते हैं, सड़क पारते करते में आप उसे सिखाते हैं कैसे सुरक्षित रहना है, अगर आप मेले में जाते हैं आप उसका हाथ थाम के रखते हैं, उसको सिखाते हैं, पर जब आप उसको स्कूल की बस में बैठाते हैं या भेजते हैं, तब आपके मन में एक डर सा बैठा जब तक बच्चा वापस ना आ जाए। बिल्कुल। तो किस प्रकार उस पूरे योजना में बच्चों से शुरू करके हम इस बात को आगे बढ़ाएं, बल्कि इसमें कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बड़ी अच्छी पुस्तक भी निकली थी, भारत का उसमें योगदान रहा था, जिसका टाइटल था लेट आवर चिल्ड्रन टीच अस, यानी कि हम अपने बच्चों को हमें सिखाने दें। बच्चों में इतनी उत्सुकता है और वो इतनी जल्दी सीखते हैं, हमसे बड़ी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पर ठीक है डॉक्टर सूर्यप्रकाश, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा, और मुझे ये जानकारी मिली है डॉक्टर सूर्यप्रकाश की एनआईडीएम की तरफ से एक कोई खास स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम है, उसको लेकर एक कोई मॉड्यूल है जो कि एनआईडीएम की तरफ से तमाम स्कूलों में चलाया जाता है, ताकि बच्चे सीख सके और उनका क्षमता विकास हो सके। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे, ये किस तरह का मॉड्यूल है, ये किस तरह का कार्यक्रम है, ताकि बच्चे जो हैं उनमें क्षमता का विकास हो सके? आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे से पूरा वक्ताओं ने बताया कि स्कूल सुरक्षा और आपदा प्रबंधन बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, और इससे हमारा पूरा समुदाय और पूरा समाज प्रभावित होता है।
इसको लेकर हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में जो है क्षमता वर्धन के लिए एक मॉड्यूल डेवलप किया गया जिसे स्कूल सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कहते हैं। उसमें हम लोगों ने जैसे टीचर्स हैं उनको ये बताया, जो प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, मैनेजमेंट हैं, कि आप किस तरह से अपने जो विद्यालयों में आपदा प्रबंधन कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और बच्चों की सुरक्षा उसमें प्राथमिकता दी जाती है, और बच्चों की सहभागिता और साझेदारी के साथ स्कूल में आपदा प्रबंधन को निभाया जाता है, निभा किया जाता है जी। जैसा कि हमारे अंशु जी कह रहे थे कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक तरह के हमारे एम्बेसडर्स हैं। एक बार उनके मन में दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि हमें आपदाओं को चिन्हित करना है और उनसे सुरक्षित बनना है, तो ये जो संदेश है वो अपने घर तक लेके जाते हैं और सबके साथ साझा करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो। तो स्कूल सेफ्टी कैंपेन्स बहुत सारे चलाए गए हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के अलावा हम लोग एग्जीबिशंस, कैंपेन्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशंस, स्लोगन्स, पोएम्स, इस तरह की भी काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं स्कूल्स के साथ मिलके, ताकि बच्चों को उसमें जागरूक किया जा सके और इन्वॉल्व किया जा सके। डॉक्टर सूर्यप्रकाश और आप तीनों मेहमान से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये वाकई बहुत ही गंभीर विषय है, और इस विषय पर जो कि आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब इस प्रोग्राम को लोग देखेंगे बहुत जागरूक होंगे और अपने अपने बच्चों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस बहुत ही अहम विषय पर अपने तीनों ही मेहमानों से बातचीत को जारी रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA। अच्छे समझ गए सब, गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे, भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढक कर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए, तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDMA। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA। अच्छे समझ गए सब, गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे, भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढक कर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए, तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDMA। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बहुत ही हमारा खास कार्यक्रम, आज हम बात कर रहे हैं स्कूली सुरक्षा और इस आपदा प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, और हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान इस पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी जो कि सदस्य हैं NDMA से, हमारे साथ दूसरे मेहमान डॉक्टर अंशु शर्मा हैं जो कि को फाउंडर हैं सीड्स के, और साथ ही साथ हमारे साथ तीसरे मेहमान डॉक्टर सूर्य प्रकाश जो कि प्रोफेसर हैं NIDM से। सर मेरा अगला सवाल राजेंद्र सिंह सर आपसे होगा, और जैसा कि NDMA की तरफ से हम भी आपने दिखाया कुछ खास जो संदेश देने की कोशिश की गई NDMA की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि आप अपने भूकंप जोन को जानिए और जब आप घर बनाएं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी कांटेक्ट कीजिए। मेरा सवाल ये इन दोनों तथ्यों को स्कूल के संदर्भ में है, क्या जब हमारे सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल बनते हैं तो क्या वो भूकंप जोन को समझते हैं उससे पहले कि कहाँ बनना चाहिए कहाँ नहीं बनना चाहिए? क्या स्कूल बनाने से पहले हमारे जो उनके जो मैनेजमेंट की कमेटी है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से वो कॉन्टैक्ट करते हैं? क्या इन चीज़ों को जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं इनका ख्याल रखा जाता है? देखिए, इसमें आपने बहुत अच्छा किया है,
नेशनल पॉलिसी हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी जो 2009 में आई है, इसमें पहली बार हमने जो है संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। और इसमें हमने जो जो कहने के लिए हमने सारे राज्यों से ये कहा है कि जहाँ भी आप स्कूल या हॉस्टल बिल्डिंग बच्चों के लिए बनाते हैं, इसका कम से कम भूकंप प्रतिरोधी सुविधाएं और सभी जो है जितने भी स्कूल और हॉस्टला बना रहे हैं इसमें अग्नि सुरक्षा के उपायों से पूरी तरह से निर्गत है। और इसके लिए केंद्रीय व राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आपदा प्रबंधन के विषय को शामिल करने के लिए भी इसको कहा गया है। जो आपका क्वेश्चन है कि इसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरे ख्याल से इस समय हर राज्य जो जो करीब करीब जो जिस जिस राज्य में जोन फोर और जोन फाइव में जो भूकंप के जो राज्य है उन उन वहां राज्यों में जब भी स्कूल की परमिशन दी जाती है, बिल्डिंग और हॉस्टल की परमिशन दी जाती है, उसमें सुनिश्चित किया जाता है कि स्कूलों को जो है एक सेफ जगह पर बनाया जाए। और इसके साथ ही एनडीए ने जो 16,000 में राष्ट्रीय सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइन जो इशू की है उसमें भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि सब लोग मिलजुल करके एक साथ इस चीज के ऊपर ध्यान दें और जहां जहां हो सकता है उन उन जगहों पे स्कूल का निर्माण ना कराएं। जैसे आपने कहा है भूकंप वाला एरिया है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, लैंडस्लाइड वाला एरिया है, इस तरह के जगहों को अगर हम इसको बचाव कर सकते हैं तो राज्यों के साथ शिक्षा माध्यम बोर्ड के साथ जो लोग इसकी परमिशन देते हैं उन लोगों के साथ निचले स्तर तक जो है वार्ता उनके साथ हो रही है ताकि आने वाले भविष्य में आने वाले टाइम में हम ऐसी स्कूलों की संरचना कर सके जहाँ की इन चीजों से हमें मुक्ति मिल सके। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सूर्य प्रकाश, मैं अंशु शर्मा आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि राजेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह का है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं और उसको फॉलो करना भी उन स्कूलों की जिम्मेदारी है। मेरा सर सवाल ये, चूंकि आप NIDM से जुड़े हुए हैं, क्या आपकी तरफ से NDMA की तरफ से एक रेगुलर बेसिस पे, एक रेगुलर इंटरवल पे क्या ऑडिट की व्यवस्था है कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए, क्या उसमें कमियां रह गई, क्या रेगुलर ऑडिट की व्यवस्था है NDMA की तरफ से देश भर के तमाम स्कूलों के लिए? इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास? देखिए, विद्यालयों का जो स्ट्रक्चरल ऑडिट का बात है वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के जो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके तहत होता है। हमारा जो है मेन कार्य जो है वो उसके बारे में जानकारियां उपलब्ध कराना है कि स्कूल सेफ्टी डिजाइंस क्या हो सकते हैं और उनकी लोकेशंस कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सेफ हो। जैसा कि आपने अभी चर्चा की कि कुछ स्कूल ऐसी जगहों पर जहां बहुत ही आपदा होने की संभावनाएं होती हैं। बिल्कुल, उसका आपको उदाहरण दूंगा कि उत्तराखंड में एक कपकोट तहसील है पिथौरागढ़ में, वहां पर एक स्कूल था शुमगढ़ में, वहां पर 18 अगस्त 2010 में एक भूस्खलन हुआ और 35 बच्चे उसमें जो है उससे प्रभावित हुए जिसमें से 18 की डेथ हो गई। ये 18 अगस्त 2010 की बात है। इसी तरह से गुजरात का एग्जांपल सर ने दिया, डबाली में हुआ, कुंभकोणम में हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इन सब के होने के बाद बहुत सारे जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो जागरूक हुए हैं और उन्होंने ऐसी गाइडलाइंस दी है कि आप अगर नया विद्यालय का निर्माण करते हैं तो सारी आपदा सुरक्षित उपाय और जितने भी डिजाइन प्रणालियां हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और उसको फॉलोअप करेंगे। जहां तक लोकल लेवल पे इन कंस्ट्रक्शन का जो रेगुलेशन है वो लोकल अथॉरिटीज पे भी डिपेंड करता है, वो भी जो परमिट्स देती हैं उससे पहले डिजास्टर रिलेटेड रेजिस्टेंट मेजर्स को चेक कर सकते हैं। इतने ठीक है, आपकी बातें सही है, लेकिन डॉक्टर अंशु, इतनी सारी बातें, इतने सारे गाइडलाइंस होने के बावजूद भी आपको क्या लगता है कि इन गाइडलाइंस को अक्षरशः पालन किया जा रहा है, ईमानदारी से पालन किया जा रहा है जब इस तरह के निर्माण कार्य होते हैं? मेरा ये मानना है कि काफी ईमानदारी से प्रयास हो रहा है, देश भर में हो रहा है, सभी राज्य सरकारें जुड़ी हैं उसमें, सभी विभाग जुड़े हैं। पर जो हमारी समस्याएं हैं, केवल इसी दायरे में नहीं और भी दायरों में आपदा से संबंधित समस्याओं का विस्तार हमारी प्रक्रिया से ज्यादा तेज हो रहा है। मसलन उदाहरण के लिए यहाँ पे बताऊंगा, 2001 में एक बड़ा भारी भूकंप आया था गुजरात में, जिसके चलते हमने ये भूकंप से सोच हमारी शुरू हुई थी और आज भी हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो हम भूकंप की तस्वीरें हमारे जहन में आती हैं, हम
उस पर कोर्स निकालते हैं। पर इन सालों में हमने देखा कि बाढ़ों ने नुकसान किया बच्चों को, तूफानों ने किया, आग लगी, टेरर अटैक्स हुए, जल वायु प्रदूषण से नुकसान हो रहा है, अब्यूज शोषण के केसेस आ रहे हैं। तो केवल एक स्ट्रक्चरल कोड बनाने से बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे ये मानना भी अपने आप में पूरा नहीं है जी। आपका प्रश्न सही है कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, पर हम उसको और होलिस्टिक तरीके से और विस्तृत तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां हमारी सोच थोड़ी लगनी जरूरी है। नहीं तो ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, क्या आप मैनेजमेंट से या एनडीएमए के अधिकारियों को ये सारे सुझाव देते रहे हैं, या फिर कोई ऐसी एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी जो इस तरह के सुझाव देती हो एनडीएमए को? नहीं, बहुत बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो एनडीएमए को मैं ये पूरा क्रेडिट दूंगा कि पिछले कई वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। जो स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस भी निकले हैं उसमें हम सब बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, देश भर के आईआईटी एनआईटी जुड़े हैं, तब जाकर के ये सोच बनती है। जैसा कि आपने कहा है, समस्या इतनी विस्तृत है कि उसमें समय लगेगा और वो फैल के चली जा रही है। पर मैं आपको ये भी बताऊं कि इन दिनों में बड़ी सारी नई तकनीकें इसमें जुड़ी हैं, जिस तरह से दिनों की मैपिंग करी जाए, नई टेक्नोलॉजी इसमें, ड्रोन्स आ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, तो बहुत सारे चीजें आ रही हैं, पर हाँ समस्या बड़ी है। ठीक है, और भी बहुत सारी अहम बातें हैं जो कि हम इस विषय पर करेंगे, लेकिन यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया इसलिए ये सलामत है, पर ना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। अच्छे, समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढक कर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया इसलिए ये सलामत है, पर ना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। अच्छे, समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढक कर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देखा हमारा विशेष कार्यक्रम आपदा का सामना, और आपदा के सामना के इस अंक में हम बात कर रहे हैं स्कूली सुरक्षा की। राजेंद्र सिंह जी, सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, और मेरा सवाल ये कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एनडीएमए के सदस्य हैं और आपके द्वारा एनडीएमए की तरफ से बनाई गई जो नीतियाँ हैं उन नीतियों का प्रभाव लाखों बच्चों के भविष्य पर, उनके जिंदगानी पर पड़ते हैं। मेरा सवाल ये कि आने वाले दिनों में, चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी का विस्तार होता जा रहा है, हमारे पास ड्रोन है, तमाम टेक्नोलॉजी हैं, तकनीकें हैं, भविष्य की इमारत, भविष्य के स्कूल कैसे हों, इस क्लासरूम्स कैसे हों, और किस तरह से उनकी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की जा सके हमारे लाखों बच्चों की, इस दिशा में एनडीएमए किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से उनकी प्लानिंग है भविष्य के लिए? देखिए, भविष्य के लिए जहां तक बात है, 2011 में हमने एक स्कीम शुरू की थी, राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा परियोजना जी। और ये 22 राज्यों में 43 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी, और हर डिस्ट्रिक्ट से 200 स्कूल हमने इसमें चिन्हित किए थे, और 200 स्कूल्स में ये पाठ्यक्रम पढ़ाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको साथ लिया गया, और इस तरह पूरे इन 22 राज्यों में 43 डिस्ट्रिक्ट में करीब 8,600 स्कूलों को हमने अपने से जोड़ा है, और इन स्कूल में हर जिले में 500 टीचर हमने तैयार किए हैं, जो कि इंस्पेक्टर के रूप में जो है आपदा के लिए क्या करते हैं,
और ये सिर्फ भूकंप के लिए था, जोन 4 और जोन 5 के लिए जी। इसमें इन स्कूलों में हमें एक हर जिले में एक स्कूल को रेट्रोफिटिंग उसने किया कि अगर कोई स्कूल की बिल्डिंग कमजोर है और उसमें उस चीज का ध्यान में रखा गया है कि ये भूकंप का झटका सहन कर पाएगी कि नहीं, उसमें रेट्रोफिटिंग की है। लेकिन उसके 199 स्कूलों को हमने बुलाया है, उनको दिखाया है कि रेट्रोफिटिंग के क्या फायदे हैं और उसको कैसे करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और इसके साथ 2017 में एक जो संयुक्त निगरानी समिति भी हमने गठन की है और ये सारी समग्र जो प्रगति है स्कूल सेफ्टी के लिए, इसके हर तिमाही में बैठक होती है। इसमें शिक्षा मंत्रालय के भी लोग हैं, राज्यों के मंत्री लोग इसमें, राज्यों के सेक्रेटरी लोग इसमें हैं, एनजीओ लोग इसमें हैं, एनडीएमए के लोग हैं। तो हर तिमाही में हम बैठते हैं और इस पर चर्चा होती है कि स्कूल सेफ्टी क्या क्या इसमें नए मापदंड है, नई आपदाओं से लड़ने के लिए कैसे अपने को तैयार करना है, तो सब इसमें जो है डिस्कस होता है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, समय कम है, मेरा सवाल ये कि जैसा कि राजेंद्र सर ने कहा कि जोन के हिसाब से स्ट्रक्चरल चीजें होती हैं, मेरा सवाल ये कि क्या जो डिजास्टर सेंसिटिव इलाके हैं और जो नॉन डिजास्टर सेंसिटिव इलाके हैं, इन दोनों ही इलाकों में जब बुनियादी संरचनाएं बनती हैं, किन बुनियादी बातों का ख्याल रखना चाहिए या फिर रखा जा रहा है? देखिए, जहां आपदा संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें वहां होने वाली संभावित आपदाओं के दृष्टिकोण से सभी तरह के जो निर्माण कार्य है वो होने चाहिए। निर्माण कार्य तो एक अपनी परिस्थिति है, परंतु इसके अलावा जो बने हुए निर्माण है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनमें हमें तैयारियां करनी चाहिए कि खतरों से हम जो है अपने को सुरक्षित बना पाए। तो उसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है और इसके लिए जो हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, उन्होंने यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ उनके साथ मिलकर एक चाइल्ड सेंट्रिक डीआरआर सेंटर बनाया है, जिसमें हम लोग इसी तरह की जो जानकारियां हैं, ठीक है सर, कि किस तरह से आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में या आपदा से जो कम संवेदनशील है निर्माण करें, सुरक्षित रहें, ठीक, या कौन कौन से उपाय क्या करें क्या ना करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम बातें आप तीनों मेहमानों ने कही। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह जी, सदस्य एनडीए में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अंशु शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ डॉक्टर सूर्य प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही, एक अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक अलग विषय के साथ, एक अहम विषय के साथ। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।